गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ नम्रता पांडे और आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। बालकनी में मैं बैठी हुई हूँ, मुझे वॉक के लिए जाना है, तो यहाँ पर मैं अपना एक हेयर बन ऊपर चढ़ाकर बना लूँगी, सूज पहन लूँगी, ट्रैक सूट मैंने पहन लिया है। एक गिलास मैं यहाँ पर पानी रख कर ही जाती हूँ। आप लोगों में से जो भी पुराने होंगे उनके साथ मैंने इस तरह के कई वीडियो शेयर किए हुए हैं, जो नए हैं वो देख लीजिए। आप लोग भी बिल्कुल एक्टिव रहिए और एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। इतना मैं कर रही हूँ उसके बावजूद भी एक लगातार तो वज़न कम हुआ, 10 किलो तक कम से कम हुआ, लेकिन अब बिल्कुल स्लो हो गया है क्योंकि बीच बीच में मैं तेल वेल खाते रहती हूँ। अब अगर आप तेल घी भी नहीं खाओगे तो आपके ज्वाइंट में दर्द होने लगता है, घुटना हो गया आपका, या फिर जो जहाँ पर आप पायल पहनते हैं उन सब जगहों पे आपको दर्द होने लगता है। तो शरीर में तेल घी की भी आवश्यकता होती है, हर चीज़ की होती है, लेकिन एक सीमा तक होती है। तो मैं अभी वॉक पर जा रही हूँ, और आप लोगों में से जो भी नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे इस चैनल का नाम अचीवमेंट इन ऑल क्यों है? क्योंकि मैं इस पर हर तरह की वीडियोज़ डालती हूँ, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या फिर कटिंग स्टिचिंग हो, मेकअप हो, हर तरह की चीज़ आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत कुछ आप इससे सीख पाएंगे। यहाँ पर मैंने मास्क नहीं यूज़ किया है क्योंकि रनिंग करती हूँ, तो मास्क नहीं, यहाँ पर मैंने दुपट्टा बांध लिया है। और अब मैं यहाँ पर लाइट बंद कर दूँगी और जाऊँगी वॉक पर, और डायरेक्ट अब मैं आपसे मिलूँगी वहाँ से आने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे मैं आ गई हूँ, और इस तरह वीडियो में देख के आप लोगों को लगता होगा कि अभी तो मतलब गई भी नहीं, आ कैसे गई? तो जब मैं चली गई थी तो वीडियो क्या बनाती मैं, तो अब मैं आई हूँ और अब मैं थोड़ा सा बैठकर मोबाइल में कुछ देख रही हूँ। काफ़ी थक जाती हूँ, 1 घंटे के बाद आती हूँ, 1 घंटा 10 मिनट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 50 मिनट तो खैर कभी होता ही नहीं है, 1 घंटा से ज़्यादा पर कम नहीं। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि दो अब अगले दिन से जाना भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि देख रहे हैं किस तरह से क्लाउडी वेदर किया हुआ है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है, पता नहीं कल जा भी पाऊँगी या नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो मुझे मोबाइल देखना था मैंने देख लिया, और अब मैं यहाँ पर अपना सूज उतार लूँगी और फिर यहाँ से सीधा जाऊँगी स्नान करने, क्योंकि जब मैं जाती हूँ वॉक पे तो झाड़ू वगैरह पूरा दिया हुआ रहता है, और किचन का सारा बर्तन वगैरह मैं रात में ही धो लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ स्नान करने के बाद। यहाँ पर देखेंगे मैं स्नान करके आ गई हूँ, और जो भी ट्रैक सूट था उसको लगे हाथ में धो लेती हूँ, क्योंकि और नहाना भी तुरंत ही चाहिए क्योंकि अभी स्थिति भी ख़राब है और पसीना वाला ज़्यादा देर तक रहना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ नहा कर आ गई हूँ, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना जो स्किन केयर रूटीन होता है उसको मैं शेयर करूँगी। आप लोगों में से कई लोग पूछ भी रहे थे, तो देखिए स्किन में जो है CTM बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। CTM क्या होता है? तो क्लीनिंग हो गया आपका, और टोनर हो गया, और मॉइस्चराइज हो गया, लेकिन बीच में मैं एक सीरम भी यूज करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये लगाया हुआ है, आपका टोनर लगा रही हूँ मैं, एल्फ्स गुडनेस का ये टोनर है, और इसको भी मैं बिल्कुल आराम से लगाऊंगी। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा काट कर ही दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई हड़बड़ी नहीं होती है, और बिल्कुल मैं समय के साथ जब तक ये और बाबू सोकर उठते हैं मैं बिल्कुल पूरी तरह से रेडी रहती हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल फ्री ये लगा रही हूँ, सीरम लगा रही हूँ, ये भी गुड वाइफ्स का है, और इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और जब से मैं ये सीरम यूज कर रही हूँ ऑयल फ्री, तब से मेरे चेहरे में जो दाने हो गए थे वो कम होने लगे हैं। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा हैवी हाथ से लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको फिंगर की सहायता से आराम आराम से लगाना होता है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना होता है। तो मैं क्या बोल रही थी कि जब तक मैं रेडी होकर पूजा पाठ सब कुछ करके किचन जाती हूँ, यानी कि 7:30 बजते बजते मैं किचन में इन हो जाती हूँ, अब 5 बजे 4:45 बजे मैं वॉक पर जाती हूँ, 6:15 बजे तक मैं वॉशरूम चली जाती हूँ नहाने के लिए, और 6:30 7 बजे तक मैं नहा कर आ जाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता है स्किन केयर करने का। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कल का अगर ब्लॉग, तो वहाँ पर मैंने रात में तेल लगाया हुआ था, तो मैंने अभी शैम्पू नहीं किया है क्योंकि आज इनको थोड़ा सा सवेरे ऑफिस जाना है, तो मैंने सोचा शाम में ही शैम्पू करूँगी, तो अभी मैंने नहीं किया हुआ है। तो बिल्कुल आराम से मैं स्किन में समय देती हूँ, ये उठते हैं अपना ब्रश वगैरह करते हैं, तो नाश्ता मैं बनाऊँगी तभी चाय पियेंगे, उसके बाद ये इनको भी मैंने आदत लगा दिया है, ये भी सवेरे नहा लेते हैं क्योंकि बिना नहाए ये भी नाश्ता नहीं करते हैं, बाबू को ये ब्रश करा देते हैं, तब तक मैं इधर अपना स्किन केयर फॉलो कर लेती हूँ। यहाँ पर आपने देखा
मैंने मामा अर्थ का फेस क्रीम लिया है और उसको भी, ये मॉइस्चराइजर क्रीम है और ये भी ऑयल फ्री है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल मसाज की तरह लगा रही हूँ। बिल्कुल 5 मिनट मैं समय देती हूँ, और 5 मिनट आप लगाने में समय दीजिए पूरी स्किन पर, नेक पर, और लगाने के 10 मिनट बाद आप देखेंगे आपके चेहरे में एक बिल्कुल नेचुरल ग्लो आएगा। और मैं ये क्रीम लगभग 10 दिन से आप लोगों के साथ, जितना भी अभी मैंने शॉपिंग किया था purple.com से, जो भी सामान मंगाया था आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया हुआ है, उसका रिस्पॉन्स बताया हुआ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस चैनल का नाम इसीलिए अचीवमेंट इन ऑल है, कि आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल मॉइस्चराइज कर दिया मैंने अपने चेहरे का, मसाज किया इस क्रीम के साथ, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है फेसेस का का सिंदूर, मैं उस सिंदूर को लगा लूँगी और एक छोटी सी बिंदी। तो यहाँ पर मैं फेसेस कनाडा का सिंदूर लगा रही हूँ। और ये एक छोटी सी बिंदी लगा लूँगी, और ये मेरा इस तरह का जो स्किन है, ये अब मुझे शाम में ही अगर कुछ करना होगा। अब सीधा मैं आ गई हूँ किचन, ये देखेंगे, ये रात का मैंने दूध गर्म कर दिया है, जो रात में बर्तन धोया था उसी तरह रखा है। अब इसको मैं अरेंज करूँगी सबको। और आज का नाश्ता मैंने ये चूड़ा फ्राई किया हुआ है, बादाम को भूंजा है, अब मैं एक पापड़ भूंज लूँगी, पापड़ तल लूँगी, और मिक्सचर हुआ और चना मूंग वगैरह भिंगोया है उसके साथ खा लूँगी। और आज जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, यह है ओल की सब्ज़ी, ओल का सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, लेकिन इसका रेसिपी अभी मैं शेयर नहीं करूँगी। आप लोगों में से बताइएगा कौन कौन ओल की सब्ज़ी बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने कल एक नाश्ता बनाया था, इतना वो कहिए हेल्दी और टेस्टी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो कल का ये नाश्ता था, यहाँ पर आप देखेंगे, एक शिमला मिर्च है और 2 प्याज है, थोड़ा सा अदरक है, और 2 हरी मिर्च है, और आधा पत्ता गोभी है। आप इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। और एक नींबू मैंने लिया है, और थोड़ा सा लहसुन भी लिया है, यहाँ पर आपको मैंने नहीं दिखाया है, इसमें मैंने नहीं लिया था, बाद में इस पर मैंने ऐड किया था। अब इस आटे को मैं अच्छे से मिला लूँगी, इसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने इस ज़रूरत के अनुसार नमक डाल दिया, मंगरेला डाल दिया, अजवाइन थोड़ा ज़्यादा डाला, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैं इसमें 2 चम्मच मोइन के लिए शुद्ध घी डाल दूंगी। और इस शुद्ध घी डालने के बाद, इसको अच्छे से मिलाने के बाद, और आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, इतना टेस्टी बना था कि, और इतना हेल्दी भी। आप देख रहे हैं घी, हमारे शरीर में घी खाना आवश्यक है, लेकिन बाकी जो हरी सब्जियाँ हैं, अब यहाँ पर देखेंगे मैंने इसमें डाल दिया है दही, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इससे आटा बिल्कुल भटूरे के आटा की तरह ये तैयार होगा। और ये जो जितना भी इसका ये जो बनेगा भरने वाला जो आपका है वो स्टफिंग के लिए, तो इतना अधिक मैंने बनाया था, और इतना बड़ा पराठा बनाया था कि एक ही पराठा काफ़ी है एक व्यक्ति के लिए। तो इस आटे को मैं बिल्कुल अच्छे से मैंने मिला दिया। अब इसमें मैं सारी चीज़ों को क्रश कर लूँगी, एक एक करके, नींबू को भी रख लूँगी निचोड़ के, ये अदरक है, और लहसुन भी यहाँ पर अब मैंने ले लिया है। तो चलिए इस सबको क्रश कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने सबको क्रश कर लिया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका बंदा गोभी हो गया, ये अदरक, ये लहसुन, ये हरी मिर्च, बंदा गोभी, शिमला मिर्च, और ये प्याज, और यहाँ पर जो मसाला डालने के लिए लिया हुआ है, ये अजवाइन, मंगरेला है, और ये धनिया का पाउडर है, और यहाँ पर आपका लाल मिर्च पाउडर, आमचूर का पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला है, ये नमक है, और ये नींबू का रस है। नमक मैं सबसे बाद में दूंगी, बाकी सारी चीज़ों को एक एक करके मैं मिला लेती हूँ। चलिए मिला लेते हैं इसको। यहाँ पर मिलाने के बाद मैंने तवे को भी गर्म होने के लिए दे दिया है, और अब मैं आटे को बिल्कुल अच्छे से और भी एक बार मिला लूँगी। आटा पूरी तरह से फूल गया है, और मैंने बिल्कुल ही बड़ा लोई लिया है, और घी की सहायता से इसको पूरे चकले के साइज का मैं बना लूँगी। और बीच में क्या हुआ था, लाइट ही चली गई थी, फिर मैं गैस की तरफ आ गई थी, तो देखेंगे ये जो बना। अब लास्ट में मैं इसमें नमक डाल दी, अगर पहले नमक डाल देती तो ये जो स्टफ़ है इसमें पानी छोड़ देता, तो फिर मुश्किल हो जाती। तो अब यहाँ पर लाइट चली गई है, मैं इधर आ गई हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको भर रही हूँ, और इतना सारा मैंने इसमें भरा हुआ है, और उसके बाद फिर इस तरफ पूरा इस
इसको पैक करने के बाद ऊपर में जो भी एक्स्ट्रा आटा है इसको काट कर हटा दूंगी और आराम से इसको बनाऊंगी। लेकिन ये मेरा पहला रोटी है इसीलिए थोड़ा सा ये फट भी गया था, लेकिन स्वाद तो वही था और इतना टेस्टी था मैं क्या बताऊँ आपको। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हरी सब्ज़ी में आप चाहें तो और भी कुछ यूज कर सकते हैं, टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी दो चीज़ को डाला और बहुत स्वादिष्ट बना था। और ये कहीं कहीं पर देखिए रोटी फट गया है तो उसको मैंने आटा लगा कर डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने तवे पर मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा तवे पर घी डाल दूँगी एक चम्मच, हालाँकि नहीं भी डालूँगी तो नॉन स्टिक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डाल देती हूँ ताकि अच्छा बने, क्रंची बने। और घी अगर आप डाल देते हैं थोड़ा जल्दी पकता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। इसी बीच में लाइट भी आ गई थी तो क्योंकि ये इंडक्शन जो है ये पूरे तवे को पूरे बेस पर जो है गर्म करती है पूरे बेस को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक सीमित तक जो है आपको गर्म करता है तवा, और तवा बड़ा है इसीलिए लाइट का इंतज़ार था। और यहाँ पर लाइट भी आ गया, लाइट भी आ गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से मैं घी डालते गई और इसको अच्छे से बिल्कुल क्रंची बनाते गई। और दूसरा जो मैंने बनाया पराठा तो वो बिल्कुल भी नहीं फटा था और बिल्कुल सॉलिड बना हुआ था, और दो ही बनाया था, एक इन्होंने खाया, इन्होंने कहा पेट तो पूरा फूल हो गया, इतना टेस्टी बना था। और इसके साथ कोई भी चटनी आप ले लीजिए, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, नारियल की चटनी, लेकिन वो सब बनाने में काफ़ी समय लगता तो मैंने नहीं बनाया, तो अचार के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। और दूसरा पराठा देखिए कहीं से भी नहीं फटा, वही ट्रिक था भरने का, सारा चीज़ वही था, लेकिन हल्का फटा भी तो पहले पराठा की तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इस तरह से मैंने दो पराठे को बनाया। और इसको प्लेट में सर्व करने के पहले क्या करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ भरा गया है, थोड़ा मोटा है तो ठंडा होने में भी समय लगेगा, तो इसको आप बिल्कुल कट कर दीजिएगा अगर आप बनाते हैं तो। और इस तरह से आपको कट करना है, चारों तरफ से कट कर दिया, इससे क्या होता है कि आप टुकड़ा आसानी से हाथ में लेंगे तो वो कट जाएगा और अचार चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो आपने देखा कितना और कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगा था। एक पराठा का आटा बचा था, इसको मैंने शाम में बना दिया था बाबू के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए यहाँ पर हो गया है, अब आप लोग भी आइए नाश्ता करने, काफ़ी टेस्टी ये बना हुआ था। और इस को बनाने का ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, और इस तरह काटने के बाद इस तरह से ये दिखता है। तो नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने चाय पी थी, चाय पीने के बाद फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया था, ओल की सब्ज़ी चावल। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे शाम के बज रहे हैं 5, यहाँ पर मैं कुछ और कपड़े को डालने आ गई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने सोफ़ा का कवर हटाया था तो उस दिन मैं नहीं धुली थी, मैंने नहीं धुला था, टप में करके रख दिया था, तो आज मैंने इसको धुला है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी, क्योंकि धूप तो बिल्कुल उग ही नहीं रहा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर बस हवा के सहारे डालते हैं। और बिल्कुल कपड़ा महकता है, चाहे आप पंखा में डालिए या कुछ भी कहीं भी डालिए, इस मौसम में ऐसा ही होता है, कंफर्ट वगैरह सब कुछ डालती हूँ फिर भी ये समस्या होती है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को डाल लूँगी। और ये शाम तक का साथ आपके साथ मेरा था, तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वो साड़ी भी शेयर करूँगी जिसका मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ, मेकअप लुक भी बहुत जल्द आने वाला है डियर, तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।